नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। अपने आप उगता है ये फल, स्वाद में है खारा, शुगर पिलिया समेत 12 रोगों की है रामबाण औषधि। थार के द्वार कहे जाने वाले राजस्थान में उगने वाले खरपतवार में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी उगली हैं जिनका आयुर्वेद में खासा महत्व है। जी हाँ, दिलचस्प बात तो ये है कि ये खरपतवार खेतों में अपने आप उगती हैं और अज्ञानता के चलते अक्सर किसान खेतों से उखाड़ इसे यूं ही फेंक देते हैं या फिर पशुओं को खिला देते हैं। थार के रेगिस्तान में उगने वाला ऐसा ही एक फल है तुम्बा, जो दिखने में बड़ा ही आकर्षक है लेकिन स्वाद में काफ़ी खारा है, लेकिन ये औषधीय गुणों से भरपूर है। सहनाली बड़ी के किसान बताते हैं कि तुम्बा को रेगिस्तानी क्षेत्र में खरपतवार माना जाता है, जो खरीफ के सीजन में बेल के रूप में उगता है। खेतों से तो इसे किसान उखाड़कर फेंक देते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में रेत के धोरों में यह प्राकृतिक रूप से ही उग जाता है। यहीं पककर इसके बीज गिर जाते हैं और फिर अगले साल यही बीज फिर से उगाते हैं। रेगिस्तान में पशुओं के लिए वरदान। गर्मियों में जब रेत में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, तब जानवर इसे खाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, क्योंकि तुम्बा के गुदे में तरबूज की तरह काफ़ी मात्रा में पानी होता है। ऊँट भी इसे खाते हैं, जिससे उनकी पानी की ज़रूरत पूरी होती है। ऊँटों के साथ साथ बकरी, गाय, भेड़ और रेतीले क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगली जानवर भी इसे चाव से खाते हैं। खाने के बाद इनके मल से भी तुम्बा का बीज दूसरे क्षेत्रों में पहुँचता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।